आइए दोस्तों, हम अब आज को बताएंगे टाटा पावर्स के बारे में। पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा पावर्स, जिसमें SII और DII का होल्डिंग 10% है। कंपनी अभी गिरावट में रही है, तो इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर एक कंपनी है, ये इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जाने, इसका मार्केट कैप क्या है। देखिए, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। यहाँ मार्केट कैप कंपनी का दिखा रहा है करीब 69 करोड़ 1000, इसका मार्केट कैप कंपनी का है। दोस्तों आपने देखिए करंट प्राइस का चल रहा है 219 रुपये। कंपनी का जो करंट प्राइस है अभी 219 रुपये कंपनी का चल रहा है। मेन मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी का हाई गया है आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो करीब हाई मारा है 298 का कंपनी ने यहाँ पर हाई मारा है, लो 168 का कंपनी ने यहाँ पर हाई मारा है। कंपनी का ROCE जो है वो करीब 9.9% है, ROE कंपनी का 8.5% कंपनी ने ROE है। दोस्तों आइए मैं आपको अगर दिखाऊं कंपनी का फेस वैल्यू, आप देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू एक है प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर 46% कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा है। आइए आपको मेन चीज दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो वैल्यू जिस पर कंपनी अगर बुलिश करती है, फिर बीरिस में अगर आती है तो कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही आती है। यहाँ ये वैल्यू होती है जहाँ पर आप प्राइस बाई करना सेल करना सबसे अच्छा होता है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं 89 रुपीज है। देखिए आपको हम ले चलते हैं अब moneycountry.com पर। इस पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो टाटा पावर्स का है, इसका जो सपोर्ट लेवल है, कंपनी का सपोर्ट लेवल है वो करीब 16 है, 214 है और 219 है। कंपनी का जो रेजिस्टेंस है 220 रुपया, 222 रुपया और 224। ये कंपनी का आप देख सकते हैं, कंपनी का ये सब रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी ने करीब अब कितना वॉल्यू मारा जा रहा है, कंपनी में क्या है और कंपनी ने कितना रिटर्न अब तक बना कर दे चुका है। देखिए कंपनी में जो आज वॉल्यू मारा गया था वो करीब 1 करोड़ के आसपास कंपनी में वॉल्यू मारा गया था। कल कंपनी में 1 करोड़ के आसपास वॉल्यू मारा गया था। एक वीक का एवरेज है कंपनी में 1 करोड़ का वॉल्यू मारा गया था और एक मंथ का जो एवरेज है कंपनी में 2 करोड़ का कंपनी ने वॉल्यू मारा गया है। कंपनी ने अब तक का रिटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने करीब एक साल में 29% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। एक साल में कंपनी ने 29.92 करीब 30% का रिटर्न दे चुकी है मान सकते हैं। कंपनी ने 3 साल में करीब 277% कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। क्योंकि कंपनी टाटा की है तो आप इसे विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसा लोग बता रहे हैं, यहाँ पर 100% लोगों ने बोला है यहाँ पर बाई करने के लिए। यहाँ पर जो स्किमर का जो एडवाइस है यहाँ कहा जा रहा है कि 100% है कि आप इसे बाई कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन चीज, यहाँ बाइंग से ये दोनों हुआ, बल्क डील में कंपनी ने बाइंग और सेलिंग दोनों हुआ। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइडर में। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं कंपनी के इनसाइडर में। इनसाइडर में क्या है, कितने लोगों ने कितना परसेंट होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 1 करोड़, ये देखिए दोस्तों 1.77 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पर सेल किया है। यहाँ देखिए यहाँ कंपनी ने करीब 49 करोड़, अगर यहाँ 1 करोड़ सेलिंग किया है तो 49 करोड़ के आसपास यहाँ पर पहले से बाय करके बैठे हुए हैं। ये 18 अगस्त 2020 का है। यहाँ पर देखिए कंपनी 2 लाख का बाइंग करके बैठा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ पर करीब 38 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पर बाय करके बैठा हुआ है। यहाँ 68 लाख के आसपास लोगों ने बाई किया है और यहाँ करीब 1,29,000 के आसपास लोगों ने बाई करके बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने अमाउंट लोगों ने पहले से 2020 में बाई करके बैठा हुआ है। देखिए अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी टाटा पावर्स में कंपनी ने लगातार यहाँ डिविडेंड दिया है। देखिए कंपनी ने लगातार हर साल एनुअली कंपनी डिविडेंड दिया है। यहाँ 2018 में कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 2018 में कंपनी ने 1.30 रुपया का डिविडेंड दिया, 19 में 1.30 रुपया, 20 में 1.55 रुपया, 21 में 1.55 रुपया और 22 में 1.75 रुपया के आसपास कंपनी ने यहाँ पर
डिविडेंड दिया हुआ है, कंपनी ने बोनस भी दिया होगा। देखिए दोस्तों कंपनी का, देखिए कंपनी ने बोनस कितना दिया, 1:5, मतलब 5 शेयर पर एक शेयर कंपनी ने 75 में बोनस दिया हुआ था। फिलहाल अभी कंपनी ने कोई बोनस यहाँ पर नहीं दिया है। चलिए दोस्तों आपको और ले जाते हैं, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग क्या है, जो मैंने आपको बताया था कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है आप देख सकते हैं यहाँ 46% है। कंपनी में का FIR होल्डिंग, विदेशी कंपनी का पैसा इसमें 10% है। DIO होल्डिंग, कंपनी का DIO होल्डिंग करीब 15% यहाँ दिखा रहा। और पब्लिक होल्डिंग देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर 28% कंपनी का ये सब पब्लिक होल्डिंग है। तो ये सब चीज़ था जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी ने अब तक का कितना रिटर्न दे चुका है। देखिए ये आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी ने अब तक करीब, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने अब तक करीब 1850% का रिटर्न दे चुकी है। कंपनी अपने 5 साल में बात करूँ तो 180% कंपनी रिटर्न दे चुका है 5 साल में। अगर 3 साल की बात करूँ तो 276% का रिटर्न, मतलब 250% से ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुका है। अगर 1 साल की बात करूँ मैं तो कंपनी ने करीब 30% का रिटर्न दे चुका है। तो इन तमाम चीज़ों जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। कंपनी टाटा पावर है, पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, आने वाले समय में टाइटन बन सकता है, एक अच्छा मौका है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर है। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। लेटेस्ट अपडेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट ऑफ लेटेस्ट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब इट।